गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज की ट्रेडिंग रहने वाली है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स बना हुआ। लास्ट मंथ हमने क्लोज किया है सितंबर, अक्टूबर मंथ का फर्स्ट डे है। उसके बाद में कैसे ट्रेडिंग रहने वाली ग्लोबल मार्केट कह रहा है उसके विषय हम देखेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर बेस अपडेट मिलते रहते हैं जो भी मार्केट में अपडेट आते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन अगर देखते हैं हम, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में कल थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है और उस तेज़ी के पीछे कुछ कारण जो निकल के आ रहे हैं, जो मिस्टर पावल जो चेयरपर्सन हैं और अदर जो गवर्नर्स हैं फेडरल के, अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग स्टेट के, उन सबका ऐसा मानना है कि मार्केट में रेट कट होगा। बट अभी ऐसा नहीं कोई प्री सेट एक टारगेट सेट कर दिया गया है 50-50 का रेट कट होगा। ओवरऑल बोला गया है कि मार्केट में अगर इकोनॉमिक कंडीशन बेटर आती हुई देखने को मिल रही है तो उसके कारण से दो रेट कट अभी पॉसिबिलिटीज हैं, एक नवंबर में एक दिसंबर में, 25 पॉइंट्स का। लेकिन ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक डेटा जो आ जाने वाला है कुछ इस वीक के लास्ट तक आएगा। तो दो तीन डेटा है, क्या है उसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू कवर कर रखा है जो न्यूज सेंटिमेंट्स किस दिन रहते। तो आज हम एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अच्छा रिजल्ट आए एज पर मार्केट के लिए और डॉलर में थोड़ी गिरावट देखने मिले तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड में तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंडीशन है एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हम कोई एक क्लियर कट व्यू लेके नहीं चलते हैं। हमारा व्यू सिंपल, हमारे स्ट्रेटजी पर वर्क करता है कि इस लेवल से ऊपर जाएगा तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है, इस लेवल से नीचे जाएगा तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो इतने ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद भी मार्केट रिकवर करने के साथ साथ जो प्रीवियस मंथ का, जो प्रीवियस डे का 26 का सितंबर का इसका गिरावट थी उस लेवल को जाके टच किया है। अभी इस लेवल के आसपास ट्रेवल कर रहा है तो ये जो 26 का लेवल था एज ए सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस होगा क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे आता तो ये इसके लिए 100.5 एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर मेजर कंडीशन बनी हुई है। सेकेंड थिंग अगर यहाँ पर आप देखते हो तो जो गोल्ड का मिनी है स्पेशली फॉर कॉमेक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक अच्छी गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू 26 से बना हुआ है मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ से आप देखो 2700 लगाने के बाद में अभी इसने लो का 2650 भी इसने टच किया, 50 पॉइंट इसने तीन ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी हिट कर दिया। 27 और 30 दो दिन का ट्रेडिंग सेशन इसमें स्पेशली हुआ है, 26 को भी कंसिडर करते हैं तो तीन ट्रेडिंग सेशन में 2.5 में इसने लगभग इतनी गिरावट किया है 50 पॉइंट का। अब यहाँ पे 2640 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग है, उससे पहले अगर आप देखोगे 2650 का लेवल भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा हैमर बना के रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका कन्फर्मेशन तभी आएगा इस हैमर का जब इसकी क्लोजिंग 2660 के ऊपर ले जाता है। जब तक इसे 2660 के ऊपर क्लोजिंग नहीं ले जाता इस हैमर का कन्फर्मेशन नहीं आएगा, फिर कंटिन्यूएशन में मार्केट में आ सकता है। सेकेंड अगर हम यहाँ पे गोल्ड को देखते हैं, इंडियन गोल्ड को स्पेशली, जो यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, इसने हाई लगाया था 76 के आसपास, अब उसके नीचे ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और इसके लिए जो ये डॉटेड लाइन शो कर रखी है 74,900 के आसपास, उसके बाद 74,800 के आसपास, ये दोनों लाइन्स इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने वाली हैं। मार्केट इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए और कंडीशन आज बनेगी या तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, और डॉलर इंडेक्स एक रेंज में परफॉर्म करता है फिर भी एक पॉजिटिव कंडीशन गोल्ड और सिल्वर के लिए बन सकती है। तो यहाँ हम इसको एक वॉच लिस्ट में रखेंगे। सेकंड थिंग यहाँ पे अगर आप देखते हो जो कॉमेक्स है, स्पेशली कॉमेक्स के लिए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यू लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे निकलने पे इसको ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट वर्क करने वाली है, साथ में यहाँ पे ये जोन इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस अभी वर्क कर रहा है, पहले एज ए सपोर्ट था। यहाँ आप देख रहे हो एक बड़ी सी विग वीवर इसने बनाया है जो सितंबर के लास्ट ट्रेडिंग टाइम में 11:30 बजे के आसपास बनी है, उसके बाद में थोड़ी रिकवरी भी किया है। बट यहाँ पे कंडीशन जो बनी हुई है अभी इसके लिए ये जोन एज ए रेजिस्टेंस ही वर्क करने वाला है, क्लोजिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ में जॉब ओपनिंग के नंबर्स हैं और जो US की गवर्नर है उन लोगों की स्पीच है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हमने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू कवर कर रखा है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं किस दिन क्या वर्क करने वाला है। इस वीक में भी दो दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले, जनरली सभी वीक में दो दिन ऐसे होते हैं जब हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है। अब यहाँ पर अच्छा डाउन मूव मार्केट ने दिखाया है, अगर आप यहाँ देखते हो 26 से
हाई जो उसने लगाया 33 के आसपास, अब ये 31.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो बनी हुई है, अगर कंटिन्यूशन में इस ट्रेंड के नीचे निकलता है, 31.5 के नीचे निकलता है, तो दोबारा से इसके लो को टच करने के लिए आएगा और 31 एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला है। 4 आवर कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो तो 4 आवर में भी एक अच्छी गिरावट का ही ट्रेंड अभी बना हुआ है, बाइंग का ट्रेंड नहीं है। मार्केट में थोड़े पॉइंट्स के लिए आप देख सकते हैं, बट मेजर ट्रेंड अभी मार्केट ने डिसाइड नहीं किया कि मैं हायर साइड जाने वाला हूँ। अगर इसके नीचे निकलता है तो साइकोलॉजिकल और अदर कंडीशन में भी इसको डाउन साइड ले जाने की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिली। मई की अगर बात कर लेते हैं, सिल्वर मिनी एक अच्छे ट्रेंड के साथ में जो टारगेट था नीचे सपोर्ट लेवल उसके अप्रॉक्स में 90,250 के आसपास टच किया है। अब इस कंडीशन को अगर आप लर्न करते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पे टच करके निकल जाए, प्लस माइनस आपको 90,000 का अगर आपका पॉइंट है तो प्लस माइनस आपको 100 से 200 पॉइंट लेके चलना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, आपको प्राइस पैटर्न अगर ये बड़ी गिरावट आ रही है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना रही है, इसका मतलब थोड़ा मार्केट रिकवर करने के मोड पे है। लेकिन कंडीशन अगर आप यहाँ देख रहे हो, प्रीवियस कैंडल बड़ी गिरावट थी उससे नीचे ही क्लोजिंग किया है और वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने अच्छा वॉल्यूम नहीं आया कि यहाँ पे बायर्स इतने अच्छे एकुमुलेट हुए हों कि जिसको हायर साइड ले जाने के लिए रेडी हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेंज यहाँ पे 91,000 है, उसके बाद है 91,300-400। ये लेवल 200 पॉइंट का जो जोन है ये इंपॉर्टेंस के लिए रहेगा, 91,200 से लेकर 450 तक का रेंज। अगर पहले इसके लिए जो रेंज बनता हुआ 91,000 के लिए पास जाता है, उसके बाद में क्या प्राइस पॉइंट बन रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी। इनकेस 91,000 को नहीं क्रॉस करता है और लगातार ट्रेड करता है और इवनिंग में जो जॉब ओपनिंग के नंबर्स हैं जो 6 बजे के 7 बजे के आसपास आएगा उसमें कुछ आपको चेंज होता हुआ देखने मिलता है, तो इस पर फिर ब्रेकडाउन की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। हम दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे, हायर साइड में बाइंग में आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गिरावट आता है तो आपको गिरावट में ज़्यादा नंबर्स मिलने के चांसेस बन सकते हैं। 4 आवर में कंडीशन अगर आवाज कर रहे हो तो ये जो सपोर्ट लेवल है एज इट इज़ वर्क कर रहा है, ये वर्क करता रहेगा, दोबारा इसके पास आएगा, फिर एक पुश लगाएगा हायर साइड के लिए। सपोर्ट लेवल 90,250 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे फिर मार्केट के लिए ज़बरदस्त तरीके से लगभग 700 से 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। हायर साइड का जो स्कोप बना हुआ है इसके लिए 91,250 का रेंज इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रहेगा। इवन आप कंसीडर कर सकते हैं जो कैंडल प्रीवियस कैंडल बना रखा है इसका हाई अप 4 आवर में एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। अगर नीचे निकलता है तो हमारे लिए बड़ी मूव रहेगा, हायर साइड में ये रेंज इसके लिए रहने वाली है आज की पूरे दिन की। सिल्वर माइक्रो को अगर हम देखते हैं, इसने एक ट्रेंड लाइन जो बना हुआ था इसको इसने डाउन साइड किया है, ये इसके लिए थोड़ा नेगेटिव बन गया है। साथ में जो पैटर्न है लोअर लो का एक कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, 90,200 के आसपास ही बना हुआ है। एवरीथिंग जैसे 50-50 की बात कर लेते हैं तो इस समय ये 70-30 का रेशियो, 70% चांस है कि अगर मार्केट में कुछ भी साइकोलॉजिकल पॉइंट बनता है तो एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी अगर इसके ब्रेक करती है तो बड़ी गिरावट रहेगी। 90,200 के नीचे जब तक ये नहीं निकलता है तब तक बड़ी गिरावट के चांसेस नहीं रहेंगे और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा चेंज ओवर होता हुआ देखने को मिलता है, डॉलर इंडेक्स थोड़ी गिरावट हो जाए और ये कंडीशन ऑलरेडी 50 पॉइंट का मूवमेंट है, तो दोबारा से आपको 91,000 और 91,400-500 ये सारे लेवल्स इसको भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज का रिएक्शन आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मिक्स रखना पड़ेगा, सेकंड हाफ आते आते आपको 6 बजे के आसपास अपने प्राइस पैटर्न लोअर लो हायर हाई मार्केट कैसा कर रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके भी आप पे फर्दर वर्क करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो तो चैनल का फॉर्मेशन ऑलरेडी इसने किया है, इस चैनल में मार्केट जब भी जाएगा इसको एक बार यहाँ से पुल बैक लेता हुआ ही नज़र आता हुआ देखने मिला है। 25-26 को जिसने हाई लगाया है उससे कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम एज ए चैनल ही वर्क करने वाले हैं। साथ में अगर डेली की बात कर लेते हैं, डेली में मार्केट में जो एक तेज़ी का संकेत था उसके बाद में जो गिरावट आई है, इंगल्फिंग पैटर्न बनाने की कोशिश किया था, इवनिंग स्टार भी यहाँ कंफर्मेशन पॉइंट अभी से देख सकते हैं गिरावट आई है, लगभग 600-700 पॉइंट की फॉलो भी आया है। सपोर्ट लेवल ये है क्योंकि इसने यहाँ पे रेंज बनाया है, अगेन रेंज का टारगेट रेंज ही होता है, तो ये आप देख सकते हैं अच्छा रेंज का फॉर्मेशन करने के बाद दोबारा इसी रेंज में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है 90,200 इसके नीचे इसको नहीं निकलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।